गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को हम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम एंड बोहर टॉपिक मॉडल पर आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग गौर से सुनिए। क्या इसका थीम है? क्वेश्चन कह रहा है, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ। क्वेश्चन कर दिया, वेवलेंथ पूछ रहा है लेमडा। व्हाट इज द वेवलेंथ लेमडा पूछ रहा है ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ एन इक्वल फोर एनर्जी लेवल से। किसमें जा रहा है? लेवल विथ एन इक्वल टू पर, फोर से टू पर जंप कर रहा है, हाई एनर्जी लेवल से लो में जंप कर रहा है, ठीक ना। व्हाट इज द कलर ऑफ द रेडिएशन? तो जब वो एन इक्वल फोर सेल से एन इक्वल टू पर जंप करेगा तो जो रेडिएशन होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा और वह वेवलेंथ किस कलर का होगा? रेड है, येलो, ऑरेंज, वायलेट, ग्रीन, किस? तो स्पेक्ट्रम में हम लोग चूंकि पढ़े हुए हैं, स्पेक्ट्रम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग देखे हैं, उसमें जो कलर का कि जिसका हाई वेवलेंथ होता है रेड से होता है, रेड से शुरू होकर के ऐसे जो एक जाता है वैनी ऑफ पिनाला या विब ग्योर, अधिक वेवलेंथ वाले रेड से और डिग्रीज होते हुए वायलेट से तब जाता है। तो यही पूछ रहा है कि जब वो फोर्थ सेल से जंप करके सेकेंड सेल में यदि इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो एनर्जी रेडिएंट करेगा उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा और वह किस कलर का रेडिएशन होगा? रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, वायलेट होगा, ऑरेंज होगा, ठीक है ना। तो हमें वेवलेंथ फाइंड करना है और वो जो रेडिएशन होगा उसका कलर फाइंड करना है, ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी इसके फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना है, ठीक। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ के लिए 1 बाई लेमडा इक्वल, बताए थे हम लोग कल रिडबर्ग कांस्टेंट पढ़े थे आर, कि रिडबर्ग ने किसी भी रेडिएशन के वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिसको रिडबर्ग इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। ये रिडबर्ग इक्वेशन है, 1 बाई अल्फा इक्वल आर, क्या होता है 1 बाई एन1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन2 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमको ये अंदाज है कि आप लोग किसी डाउट में नहीं पड़ेंगे, ठीक ना। अब इसमें दिया हुआ वैल्यू है आपका, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है भाई, ध्यान दीजिए, आप लोग याद कर लेंगे। आर की वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया रहता है या लर्न कर लिया जाएगा। हम लोग आर की वैल्यू होती है 109.677 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपका फिक्स है। हमें फाइंड क्या करने हैं? तो फाइंड करना है वेवलेंथ, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग गौर कीजिए, 10-20-50 क्वेश्चन ही लगा, कंसेप्ट के पीछे हम लोग भागते हैं तब समझ में आता है। ये फॉर्मूला यदि लर्न ना हो तो याद कर लीजिए कि वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला लगता है, ये वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करना है, आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है ना।
ये आपका लो एनर्जी लेवल सेल है और ये हाई है, इससे जम करके इसमें आ रहा इलेक्ट्रॉन, तो जितना रेडिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो भी रेडिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है उस रेडिएंट एनर्जी का वेवलेंथ में फाइंड करना है। सब वैल्यू दी हुई है, कह रहा है कि कितने से एन इक्वल 4 से 2 में, हाई से लो में आ रहा है तो हाई 4 ये हो जाएगा 2 और लो एन 1, तो इसमें पुट कर देंगे तो 1/λ इक्वल दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो फिर से देखते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग। आर की वैल्यू रख दिया जाए 1009677, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब आइए 1, ये लो है ये हाई है, तो हाई से लो में आ रहा है ठीक ना, तो एन वन ये लो है तो आपका 2 का स्क्वायर माइनस, ये हाई है सेकेंड वाला है तो इसका ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है लेटर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1/λ इक्वल सॉल्व करेंगे हम लोग 1009677 ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/16, क्लियर है, तो 1/λ इक्वल क्या होगा, तो 1/λ इक्वल ऑफ सॉल्व कर लिया जाए ठीक ना, तो ये आपका 1009677 इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1/12/16 होगा, ये एलसीएम लेकर घटाएंगे तो अब इसमें से इंटू कर दीजिए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो आर देखिए लेमडा इक्वल ब्लड जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो लेमडा इतना इंटू इतना इक्वल 16 या 16/1009677×12, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4×8 6×10⁻¹⁵ cm। अब इसको हम नैनोमीटर में चाहते हैं कि चेंज कर दें, जानते हैं सीखना चाहिए कि नैनोमीटर में कैसे चेंज करेंगे भाई, तो नैनोमीटर में चेंज करना है तो पहले इसको हटाइए तो आपको कितना मिलेगा 2 4 8 6 × 10⁵¹ × ये 2 डिस्प्लेस कर दिए तो 10⁻²² सेंटीमीटर में, और मीटर में चेंज करने के लिए फिर 10⁻², तो ये हो जाएगा 4 8 6 × 10⁻¹⁹ और 4 8 6 nm। और ये हो गया आपका आंसर लेमडा की वैल्यू। अब यह नैनोमीटर जो आ रहा है आंसर आपका, ये देखना है कि यह किस कलर से बिलोंग करता है, तो आप लोग स्पेक्ट्रम लर्न होगा तो एक बार हम फोकस करते हैं, आप लोग स्पेक्ट्रम पर ध्यान दीजिए, लर्न नहीं होगा तो सुन लेते हैं ठीक ना। स्पेक्ट्रम लाइनिंग में हम लोग को मिला था जो स्पेक्ट्रम,
स्पेक्ट्रम में जो लाइनिंग ऑब्टेंड हुई थी, देखिए स्पेक्ट्रमी लाइनिंग में आपका ब्लू का होता है आपका 400, ग्रीन का होता है 500, और नियर अबाउट 500 है 460, ठीक है ना। तो ये ग्रीन में ग्रीन कलर का होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करना होगा। तो ब्लू के लिए 400, ग्रीन के लिए 500, येलो के लिए 600, और ब्राइट रेड के लिए आपका 700। कहीं नोट कर, में बार बार कलर पूछेगा तो बताएंगे, फिर से नोट करते हैं। ब्लू के लिए 400, ग्रीन के लिए 500, येलो के लिए 600, और रेड के लिए 700 नैनोमीटर होता है इसका रेंज। तो एक क्वेश्चन हो गया, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे क्वेश्चन की द एनर्जी एसोसिएटेड, पहले तो इसको इरेज कर दिया जाए। द एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज, दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट से रिलेटेड एनर्जी है वो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू माइनस कितना दी हुई है एनर्जी की वैल्यू 2.17 इंटू 10⁻¹⁸। ये एनर्जी एसोसिएटेड है तो किसे है, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, इतना जूल पर एटम है, ये एनर्जी हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड एनर्जी है, ये दिया हुआ है एनर्जी की वैल्यू। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फिफ्थ ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट का दिया हुआ है और फिफ्थ ऑर्बिट का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है फिफ्थ ऑर्बिट का, दिया हुआ किसका है, ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा कह रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब रेडियस पूछ रहा है बोहर्स ऑर्बिट फिफ्थ का, रेडियस आपको बताना है कि उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी दे दिया हुआ है, ठीक, तो आपका दिया हुआ किसका, फर्स्ट का दिया हुआ है, और फिफ्थ के लिए निकाल लेते हैं, एन इक्वल हम फिफ्थ रख देंगे। तो फार्मूला हम लोग एनर्जी के लिए जानते हैं कि एनर्जी के लिए फार्मूला होता है ई इक्वल, हम लोग कल ही फार्मूला ड्राइव किए थे, फार्मूला नहीं लर्न है तो फिर से फार्मूले को आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। ये फिक्स वैल्यू होती है फार्मूला का, अलग से कहीं से हम लोग नहीं पुट करते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दिया हुआ है यहाँ पर माइनस 2.17 इंटू 10⁻¹⁸ बाई एन स्क्वायर्स, ये फिक्स फॉर्मूले की वैल्यू है, ठीक है ना। अब ई इक्वल माइनस 2.17 इंटू 10⁻¹⁸ बाई फिफ्थ का स्क्वायर कर देंगे, तो 2.17 इंटू 10⁻¹⁸ बाई ये 525 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना, वो आ जाएगी माइनस 2.17
डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका वैल्यू 8.68 × 10⁻¹⁰ −20 क्या है भाई जूल। ये हो जाएगी एनर्जी फिफ्थ सेल की, ठीक है ना। अब कह रहा है कि रेडियस फाइंड कीजिए, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। अब रेडियस फाइंड करना है सेकेंड्स आपका क्वेश्चन में, तो रेडियस के लिए आर एन इक्वल 0.0529 एन स्क्वायर नैनोमीटर्स। रेस निकालते हैं। अब निकाल लीजिए 0.0529 × अब एन की वैल्यू 5 का स्क्वायर रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब आपका 5 कर दीजिए तो आ जाएगा 1.3225 नैनोमीटर्स। ये आपका आ जाएगा रेडियस। क्लियर है? ध्यान दीजिए क्योंकि इस बहुत बड़ा जो है कि वो नहीं है। ये फर्स्ट सेल के लिए एनर्जी हमेशा ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। फिफ्थ के लिए पूछ रहा है तो इनकी वैल्यू हम फिफ्थ कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, मिल जाएगा। रेडियस फाइंड करना होगा तो रेडियस के लिए फॉर्मूला फिक्स है, फिक्स वैल्यू है, ये कहीं अलग से नहीं लगाना है। क्यों यहाँ पर ये अब किसके लिए पूछ रहे हैं आप, उसके लिए चेंज करके कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। तब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को। नोट कर लिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। ये स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि इमिशन ट्रांजिशन इन द पॉइसन सीरीज, पॉइसन सीरीज का इमिशन ट्रांजिशन है सीरीज एंड एट ऑर्बिट एन इक्वल 3। एन की वैल्यू दे रहा है, एन इक्वल 3 कह रहा है, इन एट ऑर्बिट एन इक्वल 3 एंड स्टार्ट फ्रॉम एन ऑर्बिट एन और एन से स्टार्ट कर रहा है। एन इक्वल 3 दिया हुआ है, एन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन इक्वल 3 स्टार्ट कर रहा है और एन तक जा रहा है, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो रिप्रेजेंट करते हैं न्यू इक्वल 3.29 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज दिया हुआ है। 1/3 का दे दिया हुआ है आपका 3 का स्क्वायर माइनस एन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3 एन को 3 स्टार्ट कर रहा है, एन तक जा रहा है, तो हम इस फॉर्मूले से हम उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ऐसे ऐसे हम रिप्रेजेंट करें, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि
आपका फिर से सुनते हैं एकदम आराम से। पहले क्वेश्चन को नॉर्मली समझना है, क्या कह रहा है। कह रहा है कि इमिशन ट्रांजिशन इन द पास्टन सीरीज इंड एट ऑर्बिट इंड एन इक्वल थ्री एंड स्टार्ट एन स्टार फ्रॉम एन ऑर्बिट एन कैन बी रिप्रेजेंटेड है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालिए। इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्टेंड एट लेमडा दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू नैनोमीटर में दिया हुआ है, लेमडा इक्वल कितना दे दिया भाई, तो लेमडा इक्वल दिया हुआ है 12.85 नैनोमीटर्स इतना दिया हुआ है। अब हमें जो है कि एन की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, और ये फाइंड करना है कि जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होगा, ठीक है ना, उसका रीजन बताइए किस रीजन का यह स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का रीजन पूछ रहा है कि इस जो है कि किस रीजन का स्पेक्ट्रम है ये, तो पहले फाइंड कर लेंगे इनकी वैल्यू, ठीक है ना। और इनकी वैल्यू जो आएगी उसके बेस पर अब देखेंगे लाइमन है कि बामर है कि पास्चन है कि ब्रैकेट है कि फुंड है, क्या है जो नंबर एन की आएगी, ठीक है ना, उसके बेस पर हम जो है कि क्या फाइंड कर लेंगे, तो रीजन बता देंगे, ठीक है ना, कि विजुअल रीजन का है कि इंफ्रारेड का है कि माइक्रोवेव है कि एक्स रे है कि गामा रे है, किस रीजन का है, ठीक है ना, बता देंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं यहीं से कि न्यू इक्वल होता है सी बाई लेमडा, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। हम सी का कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8, क्लियर है ना। स्पीड ऑफ लाइट नहीं जानते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए और लर्न कर लीजिए। ये लेमडा की वैल्यू दी हुई है 12.85, इसमें नैनोमीटर में चेंज कर लीजिए मीटर में 9, इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो न्यू, ये न्यू है, न्यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको, सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद न्यू की वैल्यू आ जाएगी 2.33×10^14, ये आ गई आपकी न्यू की वैल्यू, ठीक है, गौर कीजिए ये न्यू की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे क्या भाई, तो इस न्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ये सब फॉर्मूले लिखते हैं तो यहाँ से लिखते हैं आगे न्यू की वैल्यू पहले पुट करेंगे कितना। हम इस फॉर्मूले से न्यू निकाल लिए हैं अलग से, न्यू इक्वल सी बाई लैम्डा से न्यू निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। तो पहले न्यू की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2.33×10^14, कोई डाउट नहीं। चलिए अब इक्वल, अब ये रखेंगे 3.29×10^15, ये रखिए ब्रैकेट में 1/9 हो जाएगा -1/9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पूरा इसको उठा कर इधर लाएंगे, करते हैं ये पूरा उठा लाइए, तो 1/9 - 1/10 इक्वल 2.33×10^14 3.29×10^15, ये हो जाएगा। अब डिवाइड किया जाए, ठीक है ना, तो डिवाइड करेंगे
तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/9 माइनस 1/3 इक्वल। इसको डिवाइड करने पर अब टेन होगा 0.0708। क्लियर, आपको इतना आ जाएगा। तो ये आपका कहाँ गया, ये एन स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक ना। तो 1/n² इक्वल 0.0708 माइनस 1/9। अब माइनस कर दीजिए तो माइनस कर देंगे तो नियर अबाउट आपका आ जाएगा 0.0403 ये आ जाएगा आपका, ठीक ना। किसका 1/n² इक्वल 0.0403 और n² इक्वल अब 1/, देखिए 0.0403 डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 24.82। ये n² की वैल्यू आ गई, ठीक ना, इसकी वैल्यू आ गई n² की। तो n² कितना आ गया भाई हमारा 24.82। तो n इक्वल अब इसको 25 मान लेंगे और निकालेंगे इसको तो 5। क्लियर है, अरे भाई इसको हम मान लेंगे 25 n² ये, तो n² इक्वल अंडर 25 करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। ये फिफ्थ है और किस रीजन का है भाई, तो इंफ्रारेड रीजन का है। क्लियर है इससे, नो डाउट। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, यदि क्लियर हो गया हो तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बोल रहे हैं और स्टॉप करके वीडियो को और ये नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन n=4 to n=2 ऑफ HE प्लस स्पेक्ट्रम। कह रहा है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन क्या होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन क्या होगा, कब स्पेक्ट्रम हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर्स, वेवलेंथ दोनों का सेम हो, ठीक, n=4 और n=2, तो क्या होगा इसमें, दो इक्वेशन बनाएंगे, एक n=4 पर और n=2 को इक्वेशन बना लेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे तब जा करके हमें आ जाएगा आपका उसका ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है कि हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, वही ट्रांजिशन मीन्स वेवलेंथ कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ इक्वल आर जेड का स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। आप लोग से बार बार कह रहे हैं जो भी फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यदि आप लोग पता है तो ठीक ही है, नहीं है तो तुरंत उस फॉर्मूले को जो ही लिखा जा रहा है उसको लिख करके और उसको माइंड में तुरंत पहले फॉर्मूला बैठाएंगे तब कैलकुलेशन आएगा करने में मज़ा और फटाफट हौसला जो है कि बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें नहीं कि नहीं जानते हैं कहाँ से कौन है, जब बताया जा रहा है उसमें पहले उसको पकड़िए कहीं से आया हो, पताल पुलिस से या जमपुरी से, पहले उस फॉर्मूले को हम लोग कर लेंगे,
दुखी का है, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं हो सकता है ना पढ़े हों तो तुरंत। अब देखना है हम क्या फाइंड करना है भाई, ठीक है ना। तो वैल्यू दी हुई है आपका 1/λ, रिड्यूअल कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं कितना होता है आपका, रिड्यूअल कांस्टेंट की वैल्यू अभी नहीं लगाएंगे, चलिए अभी हम लोग लगाते हैं पहले R, हीलियम है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 1/, कितने से कितने जंप कर रहा है, 2 से 4 का है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, क्लियरली है, ज़्यादा समस्या नहीं है, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3/4 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से एक नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे 1/λ इक्वल और ठीक है इनटू आपका आर, अब हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो 1/(n₁)²-1/(n₂)², ये हो गया क्या रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाँ हाइड्रोजन पूछ रहा है इक्वल ही क्वेश्चन नंबर सेकंड्स, दो दे दिया हुआ है बामर सीरीज एची स्पेक्ट्रम, एची के लिए हम लोग फाइंड करना है, हाइड्रोजन के लिए ये होगा, ये हीलियम के लिए आप लगा दिए एसी के लिए और हाइड्रोजन के लिए, दो इक्वेशन पहले बनाइए माइंड में चुपचाप, ये हीलियम के लिए बना लिए और हाइड्रोजन के लिए हो गया। तो कह रहा है कि है ट्रांजिशन हाइड्रोजन सेम बामर सीरीज ट्रांजिशन अब तक एसी प्लस स्पेक्ट्रम, एसी प्लस के लिए निकालना, हाइड्रोजन के लिए एक ही होता है। तो अब हम दो इक्वेशन को लेमडा सेम होगा तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो इक्वलाइज कर देंगे, जब वेवलेंथ सेम है तो सेम हो जाएगा लेमडा की वैल्यू, तो क्या बचेगा 1/(n₁)²-1/(n₂)², इक्वल कितना आ जाएगा 3/4, वेवलेंथ सेम है, ये सेम है तो इतना इक्वल इतना, तो ये वैल्यू इक्वल ये वैल्यू सेम है, सेम कह रहा है सेम, ठीक है ना। तो इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो n₁ इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1 और n₂ इक्वल आपका आ जाएगा 2, ठीक है ना, n इक्वल 1 और n₂ इक्वल 2, तो n₂ इक्वल 2 और n₂ इक्वल द हीलियम विल बी द आपका हो जाएगा n₁ की वैल्यू 1 और n₂ की वैल्यू 2, ठीक है ना हीलियम के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एची, एची के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो वही पहला फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट सेल के लिए, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल माइनस लगाते हैं 2.18 × 10⁻¹⁸ z²/n², ये फॉर्मूला होता है। अब हमें फाइंड करना है हीलियम के लिए, तो z की वैल्यू 2, उसके बाद पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी,
तो E इक्वल माइनस 2.18 10 पर पावर माइनस 18 2 का स्क्वायर बाय इनका कितना हो जाएगा n इक्वल 1 का स्क्वायर, तब इक्वल कर दीजिए तो आपको आ जाएगा माइनस 8.72 इंटू 10 पर पावर माइनस 18 जूल। अब रेडियस फाइंड कर लीजिए आर एन इक्वल, तो आर एन इक्वल लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग 0.0 फिक्स वैल्यू है 0.0529 एन स्क्वायर बटे में जेड नैनोमीटर इक्वल। अब भाई तो 0.0529 इंटू एन की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 का स्क्वायर बटे में जेड कितना हो जाएगा 2 इक्वल 0.0264599 meters। ये हमारा जो है कि आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके एनर्जी के लिए, रेडियस के लिए। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक ना, जो कि हम लोग को वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि रेडियस, ये क्वेश्चन हो गया, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिया हुआ है, फोर्थ ऑर्बिट का इसका है रेडियस फोर्थ FORTH के लिए दिया हुआ है, रेडियस फोर्थ ऑर्बिट का दिया हुआ है 0.85 0.85 नैनोमीटर्स। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी फाइंड करना है भी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का मास एम दे दिया है 9.1 × 10⁻³¹ दे दिया हुआ है केजी। तो फाइंड करना है हमको वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल एन एच बाई 2π के इक्वल होता है, वह उसी में रोटेट करता है, ठीक है ना। तो हमें भी फाइंड करना है आर भी इक्वल एन एच बाई एम आर 2π। सब वैल्यू दी हुई है, पुट कर दीजिए इसमें आपका हाइड्रोजन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट के लिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी इन द फोर्थ के लिए फोर एच आपका प्लैंक कांस्टेंट के लिए हम बताए थे, फिर से देखिए नहीं याद है तो 6.626 × 10⁻³¹ बटे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ वेलोसिटी तो फाइंड ही करना है। आर जो है कि आर
रेडियस दिया हुआ है, ठीक ना, कितना दे दिया उतना नैनोमीटर में रेडियस दी हुई है, तो नैनोमीटर में कितना दिया है आपका 0.585 × 10⁻¹⁹ नाइन हो जाएगा, × 2 × 22/7 ये होगा। अब भाई सबको कैलकुलेट करेंगे भाई, कैलकुलेशन आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ कैलकुलेशन करने में जाएगी टाइम लग जाएगा, तो आप लोग के लिए बताया जाए कैसे क्वेश्चन वो करते हैं, तो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.45 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका, बहुत सारे इस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, आप लोग लगाइए और इससे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि और हाई लेवल का है, ठीक है ना। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि IIT नीट एम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को तुरंत बताया जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए उसका कंसेप्ट मिले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंडों को भी इसका लाभ पहुँचाने के लिए उसको भी ये लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स।